वेलकम टू द महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज आपणे धोरण 7 सामाजिक विज्ञाननु प्रकरण 2 दिल्ली सल्तनत विषे अभ्यास करीशुं। दिल्ली सल्तनत प्राचीन कालथी ज दिल्ली भारतीय राजनीतिना केन्द्रमां रह्युं छे। 12मी सदीमां तोमर अने चौहान राजपूतोना समयमां दिल्ली वेपार वाणिज्यनुं एक महत्वनुं केन्द्र हतुं। 13मी सदीनी शुरुआतमां दिल्ली सल्तनतनी स्थापना थई। ईस्वीसन 1206 ईस्वीसन 1526 दरमियान उत्तर भारतना विशाळ विस्तार उपर शासन करनार शासकोने सुल्तान अने शासनकाळने दिल्ली सल्तनत तरीके ओळखवामां आवे छे। आ शासको मूलभूत रीते तुर्क अने अफगान मूळना हता। आ 325 वर्ष दरमियान दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशोए सत्ता भोगवी, जेमा गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश अने लोदी वंशनों समावेश थाय छे। दिल्ली सल्तनतनी साथे आपणे आ पाठ में विजयनगर अने बहमनी साम्राज्यनों पण अभ्यास करीशुं। दिल्ली सल्तनतना शासको गुलाम वंश ईस्वीसन 1206 ईस्वीसन 1290 ईस्वीसन 1192 में तराईना बीजा युद्ध में सियापुद्दीन घोरीए पृथ्वीराज चौहाननी सामे निर्णायक विजय मेळवी दिल्ली में सल्तनतनी सत्तानो पायो नाख्यो। मुहम्मद घोरीना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक मालमुक वंशनो हतो। मात्र 5 वर्षना तेना शासनकाळमां तेणे सल्तनत सत्ताने जाळवी राखवानो प्रयत्न कर्यो। ईस्वीसन 1210 पोलो रमता घोड़ा परथी पड़ी जवाना कारणे तेनुं मृत्यु थयुं। कुतुबुद्दीन ऐबकना अवसान बाद तेनो गुलाम अने जमाई इल्तुतमिश कादीए आव्यो। तेणे सल्तनत सत्ताने सर्वोपरि बनाववा चहलगान पिचारगाननी स्थापना करी, एटले के 40 तुर्क अमीरोना दळनी रचना करी। तेणे राजगादीनो स्थानांतरण लाहौरथी दिल्ली कर्युं। इल्तुतमिशे गुलाम वंशनो साचो स्थापक मानवामां आवे छे। पोताना एक पण पुत्रने सुल्तान बनाववा योग्य न समझता इल्तुतमिशे पोतानी काबिल पुत्री रजियाने पोतानी उत्तराधिकारी जाहिर करी। इल्तुतमिशना अवसानना थोड़ा समय बाद तेनी पुत्री रजिया सुल्ताना दिल्लीनी गादीए आवी, जे दिल्लीनी गादीए आवनार प्रथम महिला शासक हती। ए समयना इतिहासकार मिनहाज ए सिराज पण स्वीकारे छे के रजिया सुल्ताना तेना बधाज भाईओमां सौथी वधु काबिल अने सक्षम हती। आम छता एक महिला शासनकर्ता तरीके मान्यता मळवी मुश्किल हती। दरबारीओ पण तेने स्वतंत्र शासक तरीके स्वीकारवा राजी न हता। अमीरोनी सत्ता लालसा अने सतत चालता विद्रोहने तेना शासननो अंत आण्यो। तेना अवसान बाद 6 वर्ष सुधी राज्यमां अंधाधूंधी चाली। अमीरोए इल्तुतमिशनो पुत्र नासिरुद्दीनने दिल्लीनी गादीए बेसाड्यो। 21 वर्षना तेना शासनकाळ बाद तेनुं अवसान थता ग्यासुद्दीन बलबन गादीए आव्यो। तेणे चहलगान दळनो नाश करी शासनतंत्र परथी अमीरोनी पकड़ने हळवी करी। तेणे राजानुं स्थान वधु मजबूत बनाव्युं। बलबन साहित्य अने कलानो पोषक पण हतो। 22 वर्षना तेना शासनना थोड़ा समय बाद दिल्ली सल्तनत पर खलजी वंशनी स्थापना थई। खलजी वंश ईस्वीसन 1290 ईस्वीसन 1320 जलालुद्दीन खलजी थी खलजी वंशना शासननी शुरुआत थई। जलालुद्दीनना 6 वर्षना शासन बाद दिल्लीनी गादीए महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन आव्यो। तेणे उत्तर भारत, गुजरात अने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी साम्राज्यनो विस्तार कर्यो। दिल्लीमां स्थायी सेनानी शुरुआत करी। तेणे सैन्यना घोड़ा अने सैनिकोनी विशिष्ट ओळख माटे दाग अने चेहरा पद्धतिनी शुरुआत करी। आ उपरांत भाव नियमन, बजार नियंत्रण, संग्रहखोरी नियमन जेवा वहीवटी सुधारा पण कर्या। अलाउद्दीन खलजीना अवसान बाद राज्यमां अंधाधूंधीनुं वातावरण रह्युं। खलजी राज्यवंशनो अंत आणी दिल्लीनी गादीएथी तुगलक शासननी शुरुआत करनार ग्यासुद्दीन तुगलक हतो। आटलू जाणो, अलाउद्दीन खलजीना समयमां प्रसिद्ध कवि
अमीर खुसरो थया जेमणे किरातुल सदायन आसिका नूह वगैरे जेवी प्रसिद्ध साहित्यकृतिओनी रचना करी हती। तुगलक वंश ईस्वी सन 1320 थी ईस्वी सन 1414। तुगलक वंश दरमियान मुहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभावंत सुल्तान थयो, जेने तेना समय में केटलीक योजना अमल में मूकी, जेमा दिल्ली थी दौलता बाद राजधानी स्थानांतरण, प्रतीक मुद्रा प्रयोग वगैरह जेवी योजनाओं समावेश थाय छे। परंतु मोटा भागनी योजनाओं में व्यावहारिकताओ अभाव तेमज तबक्कावार अने आयोजनबद्ध अमलीकरणना अभावना कारणे निष्फळ गई। तेथी इतिहास में आ योजनाओ तरंगी योजनाओ तरीके स्थान पामी। मुहम्मद तुगलकना समय में आफ्रिकन मुसाफर इब्न बतूता भारतनी मुलाकाते आवेल मुहम्मद तुगलक बाद तेनो पितराई भाई फिरोज शाह तुगलक गादीए आव्यो। फिरोज शाह तुगलकना अवसान बाद तैमूर लंगे दिल्ली पर आक्रमण कर्यु ईस्वी सन 1398 थी 1399, जेथी सत्ताना पाया हचमची गया अने तुगलक सत्ता मर्यादित बनी। सैयद वंश ईस्वी सन 1414 थी ईस्वी सन 1451 अने लोदी वंश ईस्वी सन 1451 थी ईस्वी सन 1526। तुगलक वंशना शासनना अंत बाद खिज्र खाए सैयद वंशनी स्थापना करी। सैयद वंश बाद बहलोल लोदीए लोदी वंशनी स्थापना करी। बहलोल लोदी सल्तनतनो प्रथम अफगान शासक हतो। लोदी वंशनो अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी हतो। ईस्वी सन 1526 में बाबर सामे पानीपतना प्रथम युद्ध में तेनो पराजय थयो अने सल्तनत युगनो अंत आव्यो अने मुगल शासननी शुरुआत थई। राज्य व्यवस्था ईस्वी सन 13मी सदी में स्थापायेल दिल्ली सल्तनत भारत में राज्य शासन व्यवस्था की दृष्टिए विशिष्ट हतु। दिल्ली सल्तनत शासनना केन्द्र में सुल्तान हतो। सुल्तानी सत्ता सर्वोपरि गणाती, जे सर्वोच्च सेनापति कारोबारी सर्वोच्च वडो अने सर्वोपरि न्यायाधीश पण हतो। सुल्तान ने मदद करवा एक मंत्रिमंडल हतो। मंत्रिमंडलना मंत्रीओ अने अधिकारीओनी निमणूक सुल्तान पोते करतो। सल्तनत शासन व्यवस्था केन्द्रीय प्रांतिक अने स्थानिक एम त्रण विभागों में वहेंचायेली हती। केन्द्रीय शासन सुल्तान पछी मंत्रिमंडल मुख्य हतुं। सुल्ताननो प्रधानमंत्री वजीर कहेवातो, जे वहीवटी तंत्रनो वडो हतो। आ उपरांत मंत्रिमंडल में सेना विभाग, पत्र व्यवहार विभाग, धर्म विभाग, विदेश विभाग, गुप्तचर विभाग वगैरे विभागों समावेश थतो। आम थोड़ा घना अंशे आधुनिक मंत्रिमंडल जीवी व्यवस्था ते समय जोवा मळे छे। आटलू जाणो। अलाउद्दीन खलजीना समय में सरकारी तंत्र पूरती टपाल व्यवस्था अस्तित्व में आवी हती। खेपियाओ शाही हुकमों संदेशाओ लई जता राज्यना महत्वना मथके खेपियाओ मळता। आ रीते अत्यारनी टपाल व्यवस्था की प्रारंभिक आवृत्ति तेने कही शकाय। प्रांतीय शासन सल्तनत काल में प्रांत ने जागीर में वहेंचवामां आवतुं, तेने इक्ता कहेवामां आवतुं। इक्तानो वडो इक्तेदार के मुक्ति कहेवातो, जे प्रांतनी कारोबारी अने न्यायतंत्रनो वडो हतो। तेनु कार्य जमीन महसूल एकत्र करवानुं अने सुल्तानने जरूर पड़े त्यारे लश्करी मदद करवानुं रहेतुं। जो के अलाउद्दीन खलजी अने मुहम्मद तुगलकना समय में केन्द्रीय सेनाने महत्व आपी इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापवामां आवेल। स्थानिक शासन प्रांत पछीना एकमने जिल्ला अने तालुकामां वहेंचवामां आवता, जेने अनुक्रमे सिक अने परगणा कहेवामां आवता। गामनो वहीवट मुखी के मुकद्दम करतो तेने परवारी अने कारकुन मदद करता। किल्ला अने अन्य बांधकाम
दिल्ली सल्तनतनी स्थापना थी भारत में भारतीय इस्लामिक शैलीना स्थापत्योना निर्माण की शुरुआत थी। दिल्ली सल्तनत का समय दरमियान किल्लाओ, मस्जिदों, मकबरा, मकानों, बगीचा, दरवाजा, मीनाराओ वगैरह जेवी स्थापत्यकलानी दृष्टिए नोंधपात्र कृतिओ तैयार थई। कुतुबुद्दीन ऐबकना समय में दिल्ली में कुवत उल इस्लाम नामनी मस्जिदनु निर्माण थयु। ऐबके बंधावेल बीजी महत्वनी इमारत कुतुब मीनार छे। कुतुबुद्दीनना समय में तेनो एक ज माळ बांधी शकायो। तेना अवसान बाद बाकीनू काम इल्तुतमिसे पूर्ण कराव्यो। फिरोज शाह तुगलक अने सिकंदर लोदीए तेनो जीर्णोद्वार करावेलो। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्मित अन्य एक इमारत ढाई दिन का झोंपड़ा नामनी मस्जिद जे अजमेर में आवेल छे। इल्तुतमिसना समय में होज ए सम्मी, सम्मी ईदगाह अने जुमा मस्जिदनो समावेश थाय छे। खलजी वंश दरमियान अलाउद्दीन खलजीए बंधावेल अलाई दरवाजा नामनो प्रवेश द्वार, सीरी नामनो किल्लो अने सीरी नामनु नगर तथा होज ए खासनो समावेश थाय छे। तुगलक शासन दरमियान तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद वगैरह नगरो वसावामां आव्या। आ समय गाळा दरमियान दिल्ली में अनेक किल्लाओ, मस्जिदों, तड़ावो, महलों, स्नानागारो, मकबराओ, पुलो, सराइयो, बगीचाओ वगैरेनु निर्माण थयु। सैयद अने लोदी वंश दरमियान मकबराओ अने मस्जिदनु निर्माण थयु, जेमा बंदे खाननो गुंबज, बड़ा गुंबज, मोठनी मस्जिद अने सिहाबुद्दीननो मकबरो मुख्य छे। विजयनगर साम्राज्य ईस्वीसन 1206 थी ईस्वीसन 1290। तुगलक वंशना निर्बल सुल्तानोना समय दरमियान दिल्ली सल्तनतना विघटननी प्रक्रियानो प्रारंभ थयो। सैयद वंश अने लोदी वंश दरमियान आ प्रक्रिया झड़पी बनी। तैमूरना आक्रमणना कारणे पण स्थिति वधु वणसी हती। आ बधी परिस्थितिना कारणे उत्तर अने दक्षिण भारत में अनेक प्रदेशों स्वतंत्र थया, जेमा विजयनगर, बहमनी, माळवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर वगैरेनो समावेश थाय छे। अहीं आपणे विजयनगर अने बहमनी राज्य विषे थोड़ी बात करीशुं। हरिहर राय अने बुक्का राय नामना बे भाईओए ईस्वीसन 1336 में तुंगभद्रा नदीना किनारे पोताना राज्यनी राजधानी बनावी विजयनगर साम्राज्यनो पायो नाख्यो। शुरुआतमां आ नगर तेमना गुरु स्वामी विद्यारण्यना नाम परथी विद्यानगर तरीके ओळखायुं। पाछळथी तेमना सम्राटोनी लश्करी सफळताना कारणे ते विजयनगर तरीके ओळख पाम्युं। हरिहर राय अने बुक्का राय संगम वंशना राजा हता। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश अने अरविंदु वंशे शासन कर्यु। हरिहर राय प्रथम अने बुक्का राये नाना राज्य ने साम्राज्य बनावा मा महत्वनु योगदान आप्यु। सालुव वंशनु शासन 20 वर्ष चाल्यु अने त्यारबाद तुलुव वंशनी स्थापना थई। तुलुव वंश मा कृष्णदेव राय जेवो श्रेष्ठ शासक थयो, जे मात्र तुलुव वंशनो ज नहीं समग्र विजयनगर साम्राज्यनो सर्वश्रेष्ठ शासक साबित थयो। एटलू ज नहीं, तेने भारतना एक महान शासक बनवानु गौरव पण मळ्यु। तेने शासन दरमियान अनेक विजयों हासिल कर्या। कृष्णदेव रायनु मोटा भागनु जीवन युद्धभूमि पर पसार थवा छता तेने वहीवटीतंत्रनी उपेक्षा करी न हती। तेने राज्य में तळावो, नहेरो खोदावी खेतीवाड़ीने समृद्ध करी। केटलाक अयोग्य वेराओ नाबूद करी प्रजानो प्रेम मेळव्यो। विजयनगरनी पासे नागलपुर नामनो नगर वसाव्यो अने तेने अनेकविध इमारतो अने मंदिरोथी शणगार्यो। कृष्णदेव राय पोते विद्वान हता। तेमणे संस्कृत अने तेलुगु भाषामां केटलाक ग्रंथो लख्या हता। तेना साहित्य कलाना उत्तेजनना कारणे ते आंध्रना भोज तरीके ओळख पाम्या।
કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન બાદ વિજયનગરમાં આંતરિક સંઘર્ષ અને કાવતરા શરૂ થયા. 23 જાન્યુઆરી 1565ના તાલીકોટાના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યોના બનેલા સંઘની સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો. યુદ્ધ બાદ પણ વિજયનગર સામ્રાજ્ય એક સદી સુધી ટકી રહ્યું, પણ પહેલાં જેટલી ભવ્યતા પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. બહમનીનું રાજ્ય ઈસવીસન 1347 થી ઈસવીસન 1518. તુગલક વંશના સમયમાં જ દખ્ખણમાં જફરખાને ઈસવીસન 1347માં બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી. આ રાજ્યે લગભગ 150 સદી સુધી દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિ પર પ્રભાવ પાડ્યો. જફરખાને અલાઉદ્દીન બહમન શાહ નામ ધારણ કરી સ્વતંત્ર શાસન કર્યું. તેણે નવા સ્વતંત્ર રાજ્યની રાજધાની ગુલમર્ગને બનાવી પોતાના રાજ્યમાં અનેક પ્રદેશો જોડ્યા. બહમની સામ્રાજ્યમાં અહમદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું શાસન નોંધપાત્ર છે. અહમદ શાહે ગુલમર્ગથી રાજધાની બીડર ખસેડી અને બીડરમાં અનેક ઇમારતો બંધાવી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો વજીર મહમૂદ ગમા હતો. તેણે સક્ષમ વહીવટીતંત્રની રચના કરી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા મજબૂત બની હતી, પરંતુ ત્યારબાદ મહમૂદ શાહ બહમની બીજાના સમયમાં રાજ્યની તમામ સત્તા તેના વજીર કાસિમ બરીદના હાથમાં આવી અને તેના સમયમાં જ બહમની સામ્રાજ્યનો અંત આવ્યો. સમગ્ર સામ્રાજ્ય બીજાપુર, અહમદનગર, ગોલકોંડા, બીડર અને બરાર જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભક્ત થઈ ગયું. દિલ્હી સલ્તનત શાસનનો અંત. દિલ્હી સલ્તનત શાસનની સ્થાપના ઈસવીસન 1206માં કુતુબુદ્દીન ઐબક દ્વારા થઈ અને 320 વર્ષ પછી ઈસવીસન 1526માં ઇબ્રાહિમ લોદીના શાસનના અંત સાથે તેનો અસ્ત થયો. આ લગભગ 325 વર્ષ દરમિયાન યોગ્ય, શક્તિશાળી અને કેટલીક વાર નિર્બળ સુલતાનો પણ ગાદીએ આવ્યા. દિલ્હીના આ મુસ્લિમ મહારાજ્યે અનેક તડકી છાંયડી જોઈ અને ઉદય તેનો અસ્ત, એ ન્યાય તેનું પતન થયું.